नमस्कार दोस्तों, आज ही मेरी 8 फीट की डिश खड़ी है ओजोन 35 पे सेटेलाइट पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ कि किस ट्रिक से आप अपनी सॉलिड की प्राइम पॉक्स डिश पे सिग्नल को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी सॉलिड की प्राइम पॉक्स की 8 फुट की डिश पे 3 LMB को यूज़ किया है। नंबर वन, ये जो डिश पे लगी हुई है नॉर्मल LMB है, जिसके आगे मैंने 5.5 इंच का पाइप लगाया है। और नंबर टू LMB है, ये सॉलिड की फूजी LMB है, ये देख लीजिए आप, इसको भी मैंने लगा के चेक किया है। और नंबर थ्री, ये जो इन्वर्टर LMB है, जिसके आगे मैंने क्यू बैंड का फीड ऑन लगाया है। तो इन तीनों LMB को मैंने अलग अलग अपनी सॉलिड की प्राइम पॉक्स की 8 फुट की डिस्प्ले लगा के चेक किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इन तीनों LMB में से कौन सी LMB से मेरे को सॉलिड की प्राइम पॉक्स की 8 फुट की डिस्प्ले मेरे को ज़्यादा सिग्नल मिले हैं, और ओरिजिन 35 पे सेटेलाइट को सेट करने के लिए कौन सा बेस्ट टाइम है, और इस सेटेलाइट को सेट करने के लिए कौन सी स्ट्रॉन्ग TP है, और कौन कौन से मेरे को चंदन मिल रहा है आपको डिस्क की सेटिंग करनी है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो तक पहुंच सके। तो दोस्तों इन तीनों LMB को मैंने अपनी सॉलिड की 8 फुट की प्राइम पॉक्स डिस्क पे लगा के चेक किया है। तो इन तीनों LMB में से नंबर वन LMB कौन सी है, नंबर टू LMB कौन सी है, और नंबर थ्री LMB कौन सी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों नंबर वन LMB तो यह है जो नॉर्मल LMB है, जिसके आगे मैंने 5.5 इंच का लोहे का पाइप लगाया है। और नंबर टू LMB है ये जो इन्वर्टर LMB है, जिसके आगे मैंने क्यू बैंड का फीड ऑन लगाया है। और नंबर थ्री LMB ये है जो सॉलिड की फूजी LMB है। और जो 35 पे सेटेलाइट पे ये जो पाइप वाले LMB है, इस पे मेरे को ज़्यादा सिग्नल मिले हैं। तो दोस्तों अब आपको मैं ओरिजिन 35 पी सेटेलाइट के बारे में जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों अगर आपको इस सेटेलाइट को ट्रैक करना है तो आपको मॉर्निंग टाइम में करना है, इस टाइम इसके सिग्नल है जो हैवी हो जाते हैं। अभी विंटर का टाइम चल रहा है, सेटेलाइट के सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो अब आपको मैं LMB की पोजीशन दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आपको ओरिजिन 35 पी सेटेलाइट को ट्रैक करना है तो आपको LMB की पोजीशन कुछ इस तरह से रखनी है, देख लीजिए आप। तो अब आपको मैं डिस्क का साइड व्यू बता देता हूँ दोस्तों डिस्क का साइड व्यू कुछ इस तरह से रहेगा, ये देख लीजिए आप। तो अब आपको मैं इंची टेप से नाप के बताता हूँ डिस्क की राड को आपको कितना बार रखना है। तो दोस्तों मैं इंची टेप से नाप के बताता हूँ डिस्क की राड को आपको कितना बार रखना है। दोस्तों डिस्क की राड को आपको ये देख लीजिए आप 11 इंच बार रखना है। दोस्तों अब आपको मैं स्ट्रॉन्ग TP बता देता हूँ कि ओरिजिन 35 पे सेटर को सेट करने के लिए अपने बॉक्स के अंदर कौन सी डालनी है। तो दोस्तों मैं आपको लाइव बताता हूँ, ये देख लीजिए डिस्क की वायर है, ये यहाँ से होती हुई ये देख लीजिए आप मेरे MPG 4 बॉक्स के अंदर लगी हुई है। तो दोस्तों अगर आपको ओरिजिन 35 पे सेटेलाइट को ट्रैक करना है तो आपको अपने बॉक्स के अंदर ये TP डालनी है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी आपको 11720 रखना है, और पोलराइजेशन ओरिजिनल रहेगा, और सैम्पल रेट आपको 28800 रखना है। इस TP को लगा के आप ओरिजिन 35 पे सेटेलाइट को आराम से ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं TP की ओर, देखते हैं कि इस टाइम मेरे को कौन कौन सी TP मिली और कौन कौन से चैनल सेटेलाइट पे मेरे को टोटल 222 चैनल मिले। तो ये देख लीजिए एक नंबर चैनल, और ये देख लीजिए 222 नंबर चैनल। तो दोस्तों अब आपको मैं चेक करके बताता हूँ कि मेरे को कौन कौन सी TP मिली है और कौन कौन से चैनल मिले। तो मेरे को कौन कौन सी TP मिले वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, एक तो ये TP मिली है मेरे को 11720 ओरिजिनल 28800, इस TP पे देख लीजिए आप 64% सिग्नल आ रहे हैं। और दूसरी ये देख लीजिए आप 11760 ओरिजिनल 28800, इस पर भी 64% सिग्नल आ रहे हैं। और एक ये TP मिली है 11800 वाली, इस पर भी 64% सिग्नल है। और एक ये TP मिली है मेरे को 11880, इस पर भी 64% सिग्नल आ रहे हैं। और एक ये TP मिली मेरे को 11920 वाली, इस पर भी 64% सिग्नल आ रहे हैं। और एक ये 11960 वाली TP मिली है दोस्तों, इस पर भी 64% सिग्नल आ रहे हैं। एक ये TP मिली है मेरे को 12000 वाली, इस पर भी 64% सिग्नल आ रहे हैं। और एक ये TP मिली है 12040 वाली, इस पर देख लीजिए आप 57% सिग्नल आ रहे हैं। और एक ये TP मिली है मेरे को 12080 वाली, इस पर भी 64% सिग्नल है। और एक ये 12120 वाली TP मिली है, इस पर भी 64% सिग्नल मिल रहे हैं। और एक ये 12160 वाली TP मिली दोस्तों, इस पर ये देख लीजिए आप 64% सिग्नल मिल रहे हैं।